अजमेर विकास प्राधिकरण की तरफ से महाराणा प्रताप जयंती पर होंगे कई कार्यक्रम। 14 जून से होंगे कार्यक्रम शुरू, वाहन रैली भी निकलेगी जयंती पर। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर अजमेर विकास प्राधिकरण में महाराणा प्रताप समारोह समिति के साथ मिलकर शहर में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज प्रेस वार्ता आयोजित कर अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिन तक होने वाले कार्यक्रम में 14 जून को जवारंग मंच पर बच्चों के लिए रंग भरो प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। वह 14 जून को ही शाम को महाराणा प्रताप स्मारक पर अजमेर के ऐसे परिवार जिनके बच्चे इस देश के लिए शहीद हुए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। वह अगले दिन 15 जून को राजकीय महाविद्यालय से एक विशाल वाहन रैली निकाली जाएगी जो कि 2 पहिया और 4 पहिया वाहन पर होगी। वह शहर के मुख्य मार्गों से निकलकर स्मारक पर समाप्त होगी। शाम रैली पर पुष्प वर्षा की जाएगी। वह पुष्प वर्षा के बाद कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। के बाद 16 जून जयंती के दिन सुबह मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। मैराथन दौड़ नई चौपाटी से शुरू होकर स्मारक पर पहुंचेगी। वह इसके बाद दौड़ में प्रथम रहने वाले विजेता को सर्टिफिकेट व पुरस्कार दिया जाएगा। 16 जून को महाराणा प्रताप जयंती आती है और इस जयंती के निमित्त 3 दिवसीय कार्यक्रम अजमेर विकास प्राधिकरण की तरफ से महाराणा प्रताप जयंती समारोह समिति के साथ मिलकर के संपन्न किए जा रहे हैं। महाराणा प्रताप हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और उनके जीवन से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे महापुरुष की जयंती हर साल मने इसके लिए भी प्राधिकरण ने अपने गत बोर्ड मीटिंग के अंदर इसका प्रावधान किया है और प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए तक का खर्च इस जयंती के ऊपर करने का निर्णय लिया। महाराणा प्रताप जयंती 14, 15 और 16 जून को मनाई जा रही है। जो कार्यक्रम 14 जून को होंगे उसमें प्रातः 9 बजे जवाहर रंगमंच के ऊपर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर 2 वर्ग बनाए गए हैं, एक वर्ग up to 10 years और दूसरा वर्ग 10 to 18 years। जो बच्चे इस वर्ग के अंदर आते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 9 से लेकर 10 बजे 1 घंटे तक का एक कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम के अंदर जो प्रथम द्वितीय और तृतीय आएंगे उनको 16 तारीख समापन के दिन वहाँ स्मारक के ऊपर पुरस्कृत किया जाएगा और जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उन सबको प्राधिकरण की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और उसी दिन 14 तारीख को सायंकाल 7 बजे स्मारक के ऊपर अजमेर जिले के ऐसे परिवार जिनके बच्चे इस देश की रक्षा करते हुए इस देश के लिए शहीद हुए ऐसे परिवारों को सम्मानित किया जाएगा और उसके बाद में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन स्मारक पर ही किया गया है। अगले दिन 15 जून को दोपहर को 4 बजे राजकीय महाविद्यालय से एक विशाल वाहन रैली जिसको हम चेतक वाहन रैली का नाम दिया गया है उसका आयोजन किया गया है। यह रैली 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की होगी और यह शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई कॉलेज से रवाना होकर गोल चक्कर वहाँ से डिग्गी चौक से प्लाजा से क्लॉक टावर से मलाल गेट GPO चौराहा चूड़ी बाजार नया बाजार आगरा गेट और वहाँ से बजरंगढ़ चौराहे होती हुई वैशाली नगर होके ये रैली स्मारक पर पहुँचेगी। 7 बजे से ही ये रैली स्मारक पर पहुँचेगी, उसके बाद में वहाँ पर पुष्पांजलि की जाएगी और पुष्पांजलि के बाद में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। गत वर्ष भी कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ और जनता को इतना पसंद आया और जनता को उस कवि सम्मेलन से इस तरह की कुछ सीखने को मिला, इस तरह की उनकी भावना डेवलप हुई जो राष्ट्र प्रेम के प्रति राष्ट्र भक्ति के प्रति हो ऐसी भावनाएं डेवलप हुई जो लोगों ने इस बार भी कवि सम्मेलन आयोजित करने की हर जगह से इसकी मांग आई थी और इस समिति ने भी तय किया कि इस बार भी अच्छे कवि बुला करके और उसी तरह का कवि सम्मेलन आयोजित किया जाए। इस आयोजन का जो समिति की तरफ से हमारे जो कुछ टीम बनाई गई है और 15 तारीख को कवि सम्मेलन के बाद में 16 तारीख को सुबह मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। यह मैराथन दौड़ नई चौपाटी रीजनल कॉलेज के सामने वहाँ से प्रारंभ होकर के
और स्मारक तक आएगी, और वहाँ आने के बाद में पुष्पांजलि की जाएगी। पुष्पांजलि के बाद जो विजेता हैं, इस रैली के विजेता होंगे मैराथन दौड़ के, और उसके अलावा चित्रकला प्रतियोगिता में जो विजेता रहेंगे उन सबको वहाँ पारितोषिक दिया जाएगा। और जो सर्टिफिकेट जिन लोगों ने चित्रकला प्रतियोगिता के अंदर भाग लिया उन लोगों को वहाँ सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस तरह से त्रिदिवसीय कार्यक्रम अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से महाराणा प्रताप जयंती समारोह समिति के साथ संपन्न कराए जा रहे हैं, और इसमें जिस तरह से लोगों का एक उत्साह देखा जा रहा है, और जो कार्यकर्ता जहाँ संपर्क कर रहे हैं तो उन लोगों में जो उत्साह है उससे लगता है कि वास्तव में ऐसे महापुरुषों की जयंती हमेशा मनती रहे। जिस तरह से अजमेर के अंदर अपने दारसेन स्मारक पर दारसेन जी की जयंती मनती है, और तारागढ़ के वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जी की वहाँ जयंती मनाई जाती है, इधर वीरांगना के रूप में जलकारी बाई इनकी जयंती मनाई जाती है। ये सभी स्थान अजमेर विकास प्राधिकरण की तरफ से तैयार किए गए हैं, और मेरा मानना है कि हमारे इस देश के अंदर ऐसे महापुरुषों की जब जब तक ये जयंती मनती रहेगी, इस यह देश और देशवासी हमेशा उन लोगों से प्रेरणा लेकर के और आगे बढ़ते रहेंगे। और जिस दिन की हम कल्पना करते हैं कि वास्तव में सबके मन में ये भाव आना चाहिए कि हमारा देश पूरे विश्व के अंदर सर्वोपरि बने और सभी देश मतलब पूरे विश्व का सिरमौर बने, वो दिन भी दूर नहीं होगा जब भारत इस पूरे विश्व का विश्वगुरु के रूप में स्थापित होगा।